सही बुखारी हदीस नंबर ग्यारह लोगों ने पूछा या रसूल कौन सा इस्लाम अफजल है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो जिसके मानने वाले मुसलमानों की जुबान और हाथ से सारे मुसलमान सलामती में रहें सही बुखारी हदीस नंबर बारह एक दिन एक आदमी ने आ हजरत अलैहि वसल्लम से पूछा कि कौन सा इस्लाम बेहतर है फरमाया ये कि तुम खाना खिलाओ और जिसको पहचानो उसको भी और जिसको ना पहचानो उसको भी अलगर्ज सबको सलाम करो सही बुखारी हदीस नंबर तेरह अक्रम सल्ह वसलम ने फरमाया तुम में से कोई शख्स ईमानदार न होगा जब तक अपने भाई के लिए वो न चाहे जो अपने नफ्स के लिए चाहता है सही बुखारी हदीस नंबर चौदह रसूल करीम ने फरमाया कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है तुम में से कोई भी ईमानदार न होगा जब तक मैं उसके वालिद और औलाद से भी ज़्यादा उसका महबूब न बन जाऊं सही बुखारी हदीस नंबर पंद्रह आ हज़रत सल्ला वसलम ने फरमाया तुम में से कोई शख्स ईमानदार न होगा जब तक उसके वालिद और उसकी औलाद और तमाम लोगों से ज्यादा उसके दिल में मेरी मोहब्बत न हो जाए सही बुखारी हदीस नंबर 16। नबी करीम सल्लल्लाहु सल्हु वसल्लम ने फरमाया तीन खसलतें ऐसी हैं कि जिसमें ये पैदा हो जाएं। उसने ईमान की मिठास को पा लिया अव्वल ये कि अल्लाह और उसका रसूल उसके नज़दीक सबसे ज्यादा महबूब बन जाएं। दूसरे ये कि वो किसी इंसान से महज अल्लाह की रजा के लिए मोहब्बत रखे तीसरे ये कि वो कुफर में वापस लौटने को ऐसा बुरा जाने जैसा कि आग में डाले जाने को बुरा जानता है सही बुखारी हदीस नंबर सत्रह हजूर अक्रम सल्ह वसल्लम ने फरमाया। अनसार से मोहब्बत रखना ईमान की निशानी है और अनसार से कीना रखना निफाक की निशानी है सही बुखारी हदीस नंबर अट्ठारह रसूल वसल्लम ने उस वक्त जब आपके गिर्द सह की एक जमात बैठी हुई थी फरमाया कि मुझसे बेत करो इस बात पर कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करोगे चोरी न करोगे जना न करोगे अपनी औलाद को कत्ल न करोगे और ना आमदन किसी पर कोई ना हक बहतान बांधोगे और किसी भी अच्छी बात में अल्लाह की नाफरमानी न करोगे जो कोई तुम में इस अहद को पूरा करेगा तो इसका सवाब अल्लाह के जिम्मे है और जो कोई इन बुरी बातों में से किसी का इरतक करे और उसे दुनिया में इस्लामी क़ानून के तहत सज़ा दे दी गई तो ये सज़ा उसके गुनाहों के लिए बदला हो जाएगी और जो कोई इन में से किसी बात में मुब्तला हो गया और अल्लाह ने उसके गुनाह को छुपा लिया तो फिर उसका मामला Allah के हवाले है अगर चाहे मुआफ़ करे और अगर चाहे सज़ा दे दे इबादा कहते हैं कि फिर हम सब ने इन सब बातों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेत कर ली सही बुखारी हदीस नंबर उन्नीस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो वक्त करीब है जब मुसलमान का सबसे उम्दा माल उसकी बकरियां होंगी जिनके पीछे वो पहाड़ों की चोटियों और बरसाती वादियों में अपने दीन को बचाने के लिए भाग जाएगा सही बुखारी हदीस नंबर बीस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी काम का हुक्म देते तो वह ऐसा ही काम होता जिसके करने की लोगों में ताकत होती इस पर साहब कराम ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह हम लोग तो आप जैसे नहीं हैं आप तो मासूम हैं और आपकी अल्लाह पाक ने अगली पिछली सब लफ्जिशें माफ़ फरमा दी हैं इसलिए हमें अपने से कुछ ज़्यादा इबादत करने का हुक्म फरमाइए ये सुनकर आप नाराज़ हुए हती के खफगी आपके चेहरे मुबारक से ज़ाहिर होने लगी फिर फरमाया कि बेशक मैं तुम सबसे ज्यादा अल्लाह से डरता हूं और तुम सबसे ज्यादा उसे जानता हूं बस तुम मुझसे बढ़कर इबादत नहीं कर सकते थैंक्स फॉर वॉचिंग डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू